बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने लगे हैं, जिस चैप्टर का नेम है जी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। उससे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट पे है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जिन चीज़ों को आप क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 में पहले पढ़ चुके हैं। फिर से हम उन चीज़ों को यहाँ पे रिपीट करने लगे हैं ताकि जब आप इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक और उससे नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स को डिस्कस करें तो वहाँ पे आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो। तो इसीलिए आज का जो लेक्चर है बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पूरी तवज्जो से सुनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से क्या मुराद है। इस चैप्टर के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी वर्किंग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पे बेस करती है, इसीलिए सबसे पहले हम लाइट की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हम लाइट की रिफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी रिफ्लेक्शन से। सबसे पहले डायग्राम देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास एक मिरर है, प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर की सरफेस पे एक इंसिडेंट रे आके फॉल कर रही है। फॉल करने के बाद हमने देखा कि वो रे बाउंस बैक हो गई है अपने पहले वाले मीडियम में, यानी कि ये रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, रिफ्लेक्शन का। लेकिन याद रहे, रिफ्लेक्शन के लिए ज़रूरी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या मुराद है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम देंगे। नॉर्मल क्या होता है, एक प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन, उसे आप नॉर्मल कहते हैं। और इसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगी उसे आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। तो रिफ्लेक्शन के लिए ज़रूरी है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो। मतलब जिस एंगल के साथ इंसिडेंट रे आई थी और इस मिरर की सरफेस पे उसने फॉल किया, तो फॉल करने के बाद वो उसी एंगल के साथ क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। तो ये प्रोसेस आपका रिफ्लेक्शन कहलाता है। इसी चीज़ को हमने वर्डिंग में डिफाइन किया हुआ है कि व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अदर मीडियम then a part of it turns back in the same medium, that is called reflection. अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं जिनको आपने क्लास 10th में भी डिस्कस किया हुआ है। हमारे पास टू लॉज हैं। नंबर वन क्या है जी, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन। हमारे पास तीन चीज़ें हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। तो ये तीनों चीज़ें एक सेम प्लेन पे लाई करनी चाहिए, ये आपका फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन का। अगर आप यहाँ से साइड व्यू से देखेंगे तो इस इंसिडेंट रे के पीछे ये दोनों आपको रे छुपी हुई नज़र आएंगे। तो इसका मतलब यही बन गया कि एक सेम प्लेन पे ये तीनों चीज़ें लाई कर रही हैं। उसके बाद सेकेंड लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो। तो इसको हमने पहले ही आपको बता दिया है। अब देखते हैं इसकी एग्जाम्पल डेली लाइफ में कि हमें ये रिफ्लेक्शन का फिनोमिना कहाँ देखने को मिल सकता है। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम वाटर, जब आप पानी में अपने आप को देखते हैं तो आपको अपना इमेज नज़र आ रहा होता है, तो यहाँ पे कौन सा फिनोमिना है जी, रिफ्लेक्शन का। इसी तरह से रिफ्लेक्शन फ्रॉम शाइनी स्पून, जब आप एक चमकदार चम्मच को देखते हैं तो उसमें भी आपको अपना इमेज नज़र आता है, तो यहाँ पर भी कौन सा फिनोमिना आ रहा है जी, रिफ्लेक्शन का। अब डिस्कस करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर वो कौन से ऑब्जेक्ट्स हम ले सकते हैं जिनमें आपके पास रिफ्लेक्शन हो सकती है। तो रिफ्लेक्शन के लिए आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए वो ओपेक ऑब्जेक्ट होने चाहिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। अब ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब आपके पास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए। ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब है कि गैर शफाफ, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर से रोशनी पास ना कर सके। वो ऑब्जेक्ट्स जो रोशनी को अपने अंदर से पास ना होने दे, उन्हें आप ओपेक ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। तो उसमें आपके पास प्लेन मिरर भी हो सकते हैं और स्फेरिकल मिरर भी हो सकते हैं। तो स्फेरिकल मिरर में आपने पढ़ा हुआ है कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अब कनकेव मिरर आपके पास किस तौर पर, कैसे रिफ्लेक्शन के तौर पर यूज़ हो रहा होगा, इसी शाइनी स्पून की अगर आप एग्ज़ाम्पल लें तो इसकी इनसाइड जो झुकाव वाली होती है उसकी इनसाइड पर अगर आप देखेंगे तो आपको आपका इमेज नज़र आएगा, लेकिन वो कनकेव मिरर के तौर पे हो रहा होगा।
इसी तरह से अगर आप उसकी बाहर वाली साइड से देखेंगे, स्पून की बाहर वाली साइड से, तो वहाँ पे भी आपको इमेज आपका दिखाई देगा, लेकिन वो आपके पास कन्वेक्स मिरर के तौर पे आपको मिल रहा होगा। तो ये आपके पास डिस्कशन थी जी रिफ्लेक्शन के लिए। लास्ट में हमारे पास टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है, जिसमें रेगुलर और इरेगुलर सर्फिस की हम बात करते हैं। ये भी आपने क्लास 10th में पढ़ा था। रेगुलर में आपके पास जो लाइट की रिफ्लेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है, लेकिन एंगल जो है वो आपके पास सेम रहते हैं। इसी तरह से इरेगुलर में आपके पास क्या होता है कि डायरेक्शन आपके पास लाइट की एक ही हो सकती है लेकिन रिफ्लेक्शन की, लेकिन एंगल जो होते हैं वो आपके पास डिफरेंट होते हैं। तो ये रेगुलर और इरेगुलर की आप डायग्राम भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, जो आपने क्लास 10th में बनाई थी। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं रिफ्रैक्शन में। तो रिफ्रैक्शन के अंदर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब स्टूडेंट्स इस चीज़ को यहाँ से समझिएगा कि हमारे पास ये एक ग्लास मीडियम है, ये ग्लास मीडियम है, ठीक है, और बाहर इसके क्या है, सारी एयर। तो एक एयर मीडियम है, दूसरा ग्लास मीडियम है। अब एयर मीडियम से इंसिडेंट रे आई और वो जब इस ग्लास मीडियम के अंदर इंटर होगी, तो जैसे ही वो इंटर हुई तो ये लाइट अपने आप को क्या कर रही है, बेंड कर रही है। हालांकि होना तो यूँ चाहिए कि जब ये इंसिडेंट रे आई यहाँ पे उसने हिट किया, अब हिट करने के या पास करने के बाद वो सीधी चली जाए, यानी कि होना यूँ चाहिए था कि वो सीधी चली जाती, लेकिन वो सीधी नहीं जाती, बल्कि जैसे ही वो ग्लास मीडियम के अंदर इंटर होती है तो वो अपने आप को इस तरह से बेंड कर लेती है। तो ये जो प्रोसेस है आपके पास, ये कहलाता है रिफ्रैक्शन, कि लाइट जब अपना एंगल और डायरेक्शन चेंज कर ले किसी दूसरे मीडियम में इंटर होते ही, तो ये प्रोसेस आपका रिफ्रैक्शन कहलाता है। अब यहाँ पे आप देख लें, ये नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाएगी उसे हम नाम देते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब मैं रिफ्रैक्शन बोल रहा हूँ, ठीक है जी। तो यही चीज़ आपने यहाँ पे वर्डिंग में लिखी थी। तो ये था आपका रिफ्रैक्शन का प्रोसेस। लेकिन अब यहाँ पे आपने बात गौर से देखनी है कि वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल था, लेकिन यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल नहीं है। तो ये रिफ्रैक्शन के लिए ज़रूरी है, रिफ्रैक्शन में एंगल और डायरेक्शन का चेंज होना ज़रूरी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे भी टू लॉज हैं हमारे पास। नंबर वन क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइन द सेम प्लेन, तीनों जो हैं वो सेम प्लेन पे लाई करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या है हमारे पास, साइन आई ओवर साइन आर, यानी कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन लें और इस आर का भी साइन लें तो जो इसकी रेशियो आएगी वो हमारे पास एक कॉन्स्टेंट आएगी। तो ये एन हमारे पास क्या है, एक कॉन्स्टेंट नंबर है। तो ये हमारे पास सेकंड इसका लॉ था। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, रीमेंबर एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो हमने वहाँ पे डायग्राम में भी देखा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको आप क्लास 10th एग्जाम्पल थी 12.4 उस एग्जाम्पल में भी आपने ये चीज़ डिस्कस की थी, जिसको मैं अब करने लगा हूँ यहाँ पे डिस्कस। देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, कब, जब आपकी रे यानी कि लाइट की रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही होगी। जब आपकी लाइट की रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रही होगी तो फिर याद रहे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड से ग्रेटर होगा। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड से, कब, जब आपकी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही होगी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने क्लास 10th में चैप्टर नंबर 12 की एग्जांपल थी 12.4 वहाँ पे ये आपने पॉइंट डिस्कस किए थे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जांपल क्या हो सकती है रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन फ्रॉम वाटर। जब आप पानी में देखते हैं एक तो आपको आपका इमेज नज़र आ रहा होता है ना, जिसको आपने रिफ्लेक्शन में भी एग्जाम्पल में डिस्कस किया, लेकिन उस पानी के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं, नीचे जो चीज़ें पड़ी होती हैं, वो भी आपको समटाइम नज़र आ रही होती है। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस ये बन गया, रिफ्रैक्शन का, लाइट रिफ्रैक्ट भी तो हो रही है, तो वाटर के लिए आपके पास रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन दोनों हो सकती है। इसी तरह से सेकंड हमारे पास एग्जांपल क्या है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस, जो आप ऐनक पहनते हैं उससे जो आपको चीज़ें सामने नज़र आ रही होती हैं, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस है आपका, रिफ्रैक्शन का। इसी तरह से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपके कौन से ऑब्जेक्ट हो सकते हैं रिफ्रैक्शन के तौर पर, तो वो आपके पास होते हैं जी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है, शफाफ ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर से रोशनी पास हो सकती है। तो अब स्टूडेंट्स उसमें हमारे पास कौन से ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, प्लेन ग्लास है जिसके तौर पे आप एक स्लैब यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा बड़े इंपॉर्टेंट है जिनको आप डिस्कस कर चुके हैं कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस।
तो अब कन्वेक्स लेंस आपको पता होगा क्लास टेंथ में आपने पढ़ा था, इसकी शेप या डायग्राम हम नेक्स्ट स्लाइड में बनाते हैं, आप बुक में भी देखिएगा वहाँ पे बने हुए हैं डिफरेंट। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखने वाली है कि कन्वेक्स लेंस की जो हमारे पास आउटर सरफेस होती है, एजिज होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, थिन, थिन फ्रॉम एजिज, यानी कि कन्वेक्स लेंस के जो एजिज होंगे वो थिन होंगे, और जबकि जो उसकी इनर साइड होगी वो क्या होगी, थिक होगी। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और फिर इसी कन्वेक्स लेंस को आप कन्वर्जिंग लेंस का भी नाम देते हैं। कन्वर्जिंग लेंस से मुराद कि जब कन्वेक्स लेंस में से लाइट रेज पास करके आगे जाएंगी, तो पास करने के बाद वो सारी लाइट की जो रेज हैं वो सारी की सारी एक पॉइंट पे मिल जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी, तो जिसकी वजह से इसे कन्वर्जिंग लेंस का नाम दिया गया, और फिर आपको इमेज नज़र आएगा। उसके बाद है जी कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के अंदर स्टूडेंट्स आपने याद रखने हैं, थिक फ्रॉम एजिज, इसकी जो आउटर साइड होगी एजिज होंगे वो कनकेव लेंस के थिक होंगे, और इनर साइड जो होगी वो थिन होती है। इसी तरह से इस कनकेव लेंस को आप डाइवर्जिंग लेंस का भी नाम देते हैं, यानी कि कनकेव लेंस में से जब लाइट रेज पास कर जाएंगी, पास करने के बाद वो सारी लाइट रेज एक पॉइंट पे मिलेंगी नहीं, बल्कि वो डाइवर्ज हो जाएंगी, फैल जाएंगी, तो जिसकी वजह से इसे डाइवर्जिंग लेंस का नाम दिया गया। अब इसकी डायग्राम किस तरह से हम बनाते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, और कोशिश कीजिएगा आप क्लास टेंथ की बुक में भी आपने इनकी डायग्राम को देख लेना है। तो अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, लेके चलेंगे हर टॉपिक के अंदर, वो कन्वेक्स लेंस है। तो कन्वेक्स लेंस के अंदर आपका ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, क्रवेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, उसके अलावा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इन चीज़ों को हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है। अब ये कन्वेक्स लेंस कैसे बनता है, अगर आपके पास दो सॉलिड सफेयर ग्लास हों और उनको इस तरह से आप करीब लेके आए कि ये वाला जो हिस्सा इनका पोर्शन ओवरलैप कर रहा है, इस पार्ट को अगर मैं यहाँ से निकाल के यहाँ पर ड्रा करूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, कन्वेक्स लेंस बन जाएगा। यानी कि ये जो ओवरलैपिंग पार्ट है आपके पास, ये बेसिकली कन्वेक्स लेंस है। तो इस कन्वेक्स लेंस का जो सेंटर होता है उसे आप ऑप्टिकल सेंटर का नाम देते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या है जी, सेंटर ऑफ लेंस, लेंस का सेंटर ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ सफेयर, यानी कि असल में तो ये लेंस आपने सफेयर से लिया है ना, तो अगर मैं यहाँ पे स्फेयर ड्रा करूँ ये ऐसे, तो इसका मतलब उस सफेयर का जो सेंटर होगा ना वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, याद रखिएगा। इसी तरह से प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, लाइन पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक ऐसी लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, ये ग्रीन वाली आप लाइन देख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है जी, रेडियस ऑफ सफेयर, यानी कि इस तरह से आपका सफेयर था ना एक्चुअल में, तो उस सफेयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके किसी भी कर्व तक के पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, या आप सिंपल कह सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस है ये रेड वाला, ये डिस्टेंस आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। उसके बाद है जी एपर्चर डायामीटर। अब एपर्चर डायामीटर क्या होता है कि ये स्टूडेंट्स आपके पास जो पॉइंट है ये आपके पास बेसिकली अपर्चर है। अब जितना आप लेंस को या अपर्चर को बढ़ाते जाएंगे उतना आपके पास डायमीटर बढ़ता जाएगा, तो अपर्चर के बढ़ने के साथ साथ इस लेंस का साइज भी बढ़ता जाएगा, उसी चीज़ को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद है प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट, यानी कि अगर आपके पास पैरेलल लाइट की रेज जो है वो कन्वेक्स लेंस में से पास होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर किसी एक पॉइंट पर मिल जाए, तो जिस पॉइंट पे मिलेंगी वो आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइट रेज सारी कन्वेक्स लेंस में से पास होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट पे मिल रही है, तो ये आपका पास क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। प्रिंसिपल फोकस जो है वो आपके पास रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। अब रियल कब होगा, जब लाइट रेज यूजली पास थ्रू दैट पॉइंट, यानी कि हकीकत में जब लाइट रेज इस पॉइंट में से पास कर रही होंगी, एक्चुअल में कन्वेक्स लेंस में से पास करने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे मिल रही होंगी रियल में, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, रियल प्रिंसिपल फोकस। और ये कब होगा, जब आप कन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। और वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस कब होगा, जब आपके पास हकीकत में लाइट रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे
ना मिल रही हो, बल्कि वर्चुअली आप उनको ड्रा कर रहे हो या कंसीडर करके आप उनको देखना चाह रहे हो ब्लर टाइप, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। वो कब होता है, जब आप कनकेव लेंस यूज़ करते हैं। तो इसकी डायग्राम देख सकते हैं, ये हमारे पास एक कनकेव लेंस है। कैसे बना, जब आप उन दो सॉलिड स्फीयर्स को आपस में मिलाते नहीं है बल्कि करीब लेके आते हैं इस सिचुएशन में, तो अब इनके बीच वाला ये जो आपको पार्ट नज़र आ रहा है, ये वाला पोर्शन, अगर मैं यहाँ से ये शेप निकाल लूँ तो ये मेरे पास कनकेव लेंस बन जाएगा। तो उसी को आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, लाइट रेज आई कनकेव लेंस में से, पास हुई, पास होने के बाद वो क्या हो गई है, डाइवर्ज हो गई है। देखें, पास होने के बाद वो किसी भी पॉइंट पे मिल नहीं रही, इसका मतलब रियल में ये लाइट रेज जो है ये पास होने के बाद कहीं पे भी नहीं मिल रही। लेकिन अगर मैं इन्हीं लाइट रेज का वर्चुअली इमेज पीछे की तरफ ड्रा करूँ, इसको भी पीछे लेके आऊँ, इसको भी पीछे लेके आऊँ, इसको भी और इसको भी, तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो वर्चुअल लाइंस हैं वो किसी न किसी एक पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मिल रही हैं। तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा, लेकिन वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। तो ये वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस होगा। तो यहाँ तक ये डिस्कशन आपको क्लियर कर लेनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये याद रखना है फोकल लेंथ क्या होती है। तो फोकल लेंथ होती है डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो हमारे पास डिस्टेंस होता है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑप्टिकल सेंटर है और यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं ये आपका पास प्रिंसिपल फोकस है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा, ये आपके पास कहलाएगा फोकल लेंथ, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक फिर आपके पास डिस्टेंस क्या होगा, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक f है तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास कितना बनेगा जी, ये बन जाएगा 2f, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 2f हो जाएगा, ये भी f, ये भी f, तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ऑप्टिकल सेंटर से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस क्या होता है, 2f होता है। तो हमने यहाँ पे फोकल लेंथ को डिस्कस करना था, तो वो क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से लेके प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस है ये आपके पास फोकल लेंथ कहलाएगा। अब फोकल लेंथ जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है थिकनेस के। जितनी आप थिकनेस बढ़ाते जाएंगे फोकल लेंथ कम होती जाएगी, और अगर थिकनेस आप कम करते जाएंगे लेंस की तो फिर इसका मतलब फोकल लेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी। उसके बाद थर्ड नंबर पे आप इस तरह से भी रिलेशन याद रख सकते हैं कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस का हाफ होती है। अब किस तरह से आपने इसको याद रखना है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके पास डिस्टेंस क्या होता है, आर। तो इस आर को अगर मैं टू पे डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास ये फोकल लेंथ नहीं आ जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक 2f होता है ना, तो इसका मतलब यही मेरे पास आर है। तो आर को अगर मैं 2 पे डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास ये क्या आ जाएगी, फोकल लेंथ आ जाएगी। उसके बाद कुछ कन्वेंशंस आपने लेंस के लिए याद रखनी है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे लेक्चर्स में यूज़ होंगी। फोकल लेंथ को एफ़ से हम डिनोट करते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम पी से डिनोट करते हैं। पी जहाँ जहाँ यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यानी कि इस ऑप्टिकल सेंटर से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस जो होगा उसे हम पी से डिनोट करेंगे। और क्यू जो है वो आपके पास इमेज डिस्टेंस होगा, जहाँ पर आपका इमेज बन रहा होगा वहाँ से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक का जो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस होगा उसे हम इमेज डिस्टेंस क्यू से डिनोट करेंगे। इसी तरह से अब स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी, याद रखिएगा, जब आप कन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे होंगे तब आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव, और जब आप कनकेव लेंस यूज़ कर रहे होंगे तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव जब होगा रियल ऑब्जेक्ट के लिए, और पी जो है वो नेगेटिव कब होगा, जब आपके पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। अब ये कब आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, रियल ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, ये हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब है जी इमेज डिस्टेंस, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। पॉजिटिव तब होगा जब रियल इमेज बन रहा होगा, और नेगेटिव तब होगा जब आपके पास वर्चुअल इमेज बन रहा होगा। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आखिरी आपने एक बात याद रखनी है, लेंस फार्मूला, जिसको आपने मैट्रिक में भी याद रखा था, स्फेरिकल मिरर फार्मूला या लेंस फार्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब p कब नेगेटिव होता है, q कब नेगेटिव होगा, f कब नेगेटिव होगा, ये हम आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे कुछ कंडीशंस अप्लाई करके। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास
फर्स्ट लेक्चर की डिस्कशन जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट पे थी। आने वाली वीडियोस में भी हम एक इंशाल्लाह बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर के अंदर कन्वेक्स लेंस को लेके चलना है और कन्वेक्स लेंस के अंदर कब कब एफ पी पॉजिटिव नेगेटिव होता है इन चीज़ों को डिस्कस कर लें, ताकि आगे आने वाले टॉपिक्स में हमें किसी किस्म का मसला ना हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।